सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं नीत और आप देख रहे हैं डिफेंस स्टडी चैनल। तो गाइस, जो आज का हमारा वीडियो है वो है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के बारे में। तो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में एनएम पदों के लिए भर्ती जारी कर दी है। ये पोस्ट लगभग 865 पदों की भर्ती है। इसमें इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊँगा, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में सारी डिटेल मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि मैं इसी प्रकार ऑनलाइन फॉर्म रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को मार दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो तरफ, राज्य स्वास्थ्य बिहार के बारे में। तो इसका जो नेम है वो है बिहार SHS एनएम स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। इसका जो एग्जाम कराएगा वो है बिहार स्वास्थ्य विभाग स्टेट हेल्थ सोसाइटी। इसके जो पोस्ट नेम है वो एनएम है, यानी एक्सिलरी नर्स इन मिडवाइफरी, ठीक, यानी एनएम। तो गाइस, इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स में जो इसकी स्टार्टिंग डेट आपकी है वो 9 मार्च 2020 है, और इसकी जो लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट आपकी 30 मार्च 2020 है। इसकी पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 30 मार्च आपकी है, और इसकी एडमिट कार्ड और इसके एग्जाम डेट के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। जब इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो मैं इसके लिए इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करता हूं, तो एप्लीकेशन फीस में आपकी जनरल और OBC के लिए 500 रुपये फीस मांगी गई है। इसके बाद SC ST के लिए आपकी 250 रुपये फीस मांगी गई है, और ऑल कैटेगरी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनको, फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 250 रुपये ही आपको देना होगा फीस। इसके बाद आपकी इसको पेमेंट करने के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, यानी इसका जो पेमेंट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से होगा, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद की जो जॉब लोकेशन है, आपकी जॉब लोकेशन आपकी बिहार है, और इसकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में आपकी जो मिनिमम एज आपकी है वो 37 साल है मेल के लिए, और फीमेल के लिए मिनिमम एज आपकी, मैक्सिमम एज आपकी 40 एज है। तो आपकी जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज आपकी 37 साल है, और मैक्सिमम एज फीमेल के लिए आपकी 40 साल है। इसकी जो एज ली जाएगी वो आपकी एज 1 जनवरी 2020 से आपकी एज ली जाएगी। इसकी जो छूट नहीं मिल रही है, इसकी जो छूट मिलेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा लिंक में, तो वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं कि एज में कितनी छूट मिल रही है। तो इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट आपके 865 पदों की भर्ती जारी हुई है। तो 865 पद की पोस्ट है, बहुत अच्छी है, तो आप लोग जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। तो गाइस, इसकी मैं कैटेगरी वाइज मैं बताता हूँ कि जनरल कैंडिडेट्स में जो आपके मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 225 पोस्ट है, और फीमेल जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपकी 122 पोस्ट हैं, और MBC के लिए आपके लिए मेल के लिए 97, फीमेल के लिए 58 पोस्ट है, और BC के लिए आपके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 69 पोस्ट है, 69 पोस्ट, और फीमेल के लिए 35 पोस्ट है। SC के लिए आपके लिए 86 पोस्ट है, और फीमेल के लिए 52 पोस्ट है, यानी SC में जो मेल कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए 86 पोस्ट, और फीमेल के लिए 52 पोस्ट है, और आपकी जो ST है उसके लिए 9 पोस्ट है ST के लिए ओनली। इसके बाद आपका आता है WBC में आपके 26 पोस्ट दिए गए हैं, और जो EWS की बात करें तो EWS में जो मेल कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए 61 पोस्ट हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 25 यानी 25 पोस्ट हैं। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो कैंडिडेट जो डिप्लोमा होगा 2 साल का एनएम का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यानी एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी का, क्योंकि आपका जो 2 साल का कोर्स होता है एनएम का, उसका रजिस्ट्रेशन या काउंसिल का नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसमें आपका 12th वो बाकी जितने होते हैं ये सारे लगेंगे आपके। इसमें आपके आधार कार्ड लगेगा, फोटोग्राफ लगेगी, सिग्नेचर लगेगा, सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। और इसके बाद की जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो गाइस, इसकी जो लिंक एक्टिवेट होगी आपकी 9 मार्च से इसकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप 9 मार्च से इसको फिल कर सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो यार, थोड़ा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दबा के शेयर कर देना, ताकि ये नोटिफिकेशन सभी तक पहुंचे और सभी इसका लाभ उठा सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।